तो फिर से आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं डिजिटल जोन रोशन। जैसा कि आप सभी को थंबनेल में दिखाया गया है सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद बिहार का, जहां पर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकल चुका था, उन सभी का एडमिशन भी हो चुका है और सेकेंड मेरिट लिस्ट अब आज आ चुका है। तो सेकेंड मेरिट लिस्ट आपको चेक कैसे करना है और सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम किनका किनका किस तरीके से आया है और कौन कौन से ऑनर्स के लिए आया है, उन सभी का कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ। साथ ही साथ में इसमें मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा कैसे फाइंड करना होगा आप सभी को, यहाँ पर कैसे किस तरीके से फाइंड करना, नाम से फाइंड करेंगे, एप्लीकेशन नंबर से फाइंड करेंगे और किस तरह से मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करना है, किस वेबसाइट से डाउनलोड करना है, उन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर सिन्हा कॉलेज का अब दो यहाँ पर वेबसाइट चालू कर दिया गया, तो कौन सी वेबसाइट पर यहाँ पर मेरिट लिस्ट चेक करना है और कौन सी वेबसाइट पर आपका एडमिशन होगा, उन सभी का कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और मन में किसी भी तरह का अगर सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में एक बार पर जरूर पूछ लीजिएगा। और जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ तो वो अभी थर्ड लिस्ट के लिए वेट करेंगे, थर्ड लिस्ट में नाम आएगा जैसे ही तो मैं वीडियो बनाकर जिस तरीके से अभी डाल रहा हूँ उसी तरीके से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, ताकि कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस ना हो पाए। तो इसलिए आप हमारे चैनल पर जो नए लोग होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी फ्रेंड हो सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, ताकि कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिएगा और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको सर्च कीजिएगा। आप इस तरीके से लिखेंगे, सिन्हा कॉलेज भी लिखेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद नीचे एक यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर वेबसाइट आपका ओपन होगा। वेबसाइट ओपन हो जाए यहाँ से थ्री डॉट कर लीजिएगा और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट दिया गया है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो पूरी तरीके से दिखाई दे। इसके बाद आपको नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट कॉर्नर का सेक्शन है, यहाँ पर आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट चेक करने के लिए अंडर ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट और सेक्शन में आइएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखा हुआ है एडमिशन डिग्री पार्ट वन सेशन 2022 से 2025। तो यहाँ पर इस वाले सेक्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर एक नोटिस लिखा गया है, नोटिस रिगार्डिंग यूजी एडमिशन 2022 सेकेंड मेरिट लिस्ट यहाँ पर दिया गया, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर मेरिट लिस्ट डाउनलोड होने का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपको किस तरीके से पेज ओपन होगा, चलिए मैं शो कर, मेरे यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड हो चुका जो यहाँ पर आपको शो हो पा रहा है। जैसे पहला में आपको फॉर्म आईडी दिया गया है, दूसरा में स्टूडेंट का नाम, तीसरा में यहाँ पर फादर नेम, इसके बाद जेंडर कैटेगरी, इसके बाद परसेंटेज, कितना परसेंटेज पर उठाया है, यहाँ पर आपको पूरा तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें ऑनर्स की बात की है तो ऑनर्स ऊपर में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट हिंदी, यहाँ पर हिंदी ऑनर्स के लिए है। इसी में आपको सभी ऑनर्स के लिए आपको मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश ऑनर्स, सभी ऑनर्स के लिए इसी वाले पेज में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आपको यहाँ पर लगभग 22 पेज में आया है यहाँ पर सेकेंड मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए, तो इसी वाले पर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर चेक करने रह रही बात है, यहाँ पर चेक करने के लिए तो चेक कैसे करूँगा, तो चेक करने के लिए आपको PDF आपको इस तरीके से ओपन होगा, यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स दिया होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद आपका जो भी नाम होगा अपना नाम यहाँ पर टाइप करेंगे इस तरीके से। जैसे मान लीजिए मेरा नाम रोशन कुमार है, तो यहाँ पर रोशन टाइप कर लूँगा और इसके बाद स्पेस KUMAR इस तरीके से डालेंगे तो आपको इस तरीके से पेज यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑरेंज कलर का हो चुका है, तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर मिला लेंगे, फादर नेम मिला लेंगे और इसके बाद आपको परसेंटेज अपना जो भी होगा आप अपने अनुसार मिला लेंगे। तो इस तरीके से आप मिलाकर यहाँ पर अपना नाम को फाइंड कर सकते हैं। और जिनका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया हो थर्ड मेरिट लिस्ट के लिए वेट करेंगे और थर्ड मेरिट लिस्ट जैसे ही आएगा मैं आपको अपने चैनल पर डाल दूंगा, जिससे आपको कॉलेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसलिए आप जितने लोग चैनल पर पहली बार आप अगर देख रहे होंगे वीडियो को, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जितने भी फ्रेंड हो सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जितने भी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले आपको नोटिस करना है। अप्लाई करने का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। वैसे इसका वीडियो अपलोड किया हुआ है, जैसे आप चैनल पर जाकर अपना इसका वीडियो देख सकते हैं, जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब आया था उस मेरिट लिस्ट का मैं वीडियो बनाया था, उसी वाले माध्यम से सभी को एडमिशन होगा, तो उस वाले वीडियो को जाकर देखकर आप अपना घर बैठे भी एडमिशन ले सकते हैं।